अमृत सरोवर तालाब निर्माण का रुका काम। जबलपुर बीजा डांडी अंतर्गत ग्राम औरैया का है, जहां पर एक अमृत सरोवर तालाब का निर्माण किया जा रहा था, जिसके लिए वन विभाग ने अपनी सहमति दी थी, तो अमृत सरोवर का काम चालू कर दिया गया था। परंतु गांव के ही 3 अन्य लोग ने स्टे ऑर्डर मांगा था। न्यायालय ने उनको मात्र 15 दिन का स्टे ऑर्डर किया था, परंतु उसके बाद भी ठेकेदार ने तालाब का काम दोबारा शुरू नहीं किया। ग्रामवासियों ने जनपद पंचायत एवं कलेक्टर ऑफिस में भी आवेदन किया, वहां से भी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं की गई, जिससे ग्रामवासी परेशान है। ठेकेदार द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा किसी प्रकार की देरी नहीं है, मुझे 1 साल में अमृत सरोवर तालाब का कार्य पूरा करना था। मामला कलेक्टर ऑफिस में विवेचना में है, जब वह परमिशन देंगे तो मैं दोबारा काम शुरू कर दूंगा। काम न होने से पूरे ग्रामवासियों में आक्रोश व्याप्त है। हमें ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि द्वारा बताया कि उस तालाब से लगभग 6 गांव को फायदा होगा, परंतु 100 साल की देरी के कारण बारिश भी पहुंचना है। उसके लिए हम लोग कलेक्टर महोदय एवं मुख्यमंत्री को भी आवेदन किया है तथा CM हेल्पलाइन में भी शिकायत की, परंतु किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ। अगर जल्दी से जल्दी अमृत सरोवर तालाब का कार्य पूरा नहीं किया गया तो सब ग्रामवासी मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। संभागीय ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव की रिपोर्ट। बोलो। हम लोग जब अमृत सरोवर के लिए प्रस्ताव ग्राम सभा पारित करवाए थे सर, उसमें प्रस्ताव में पारित हो गया था सर, फिर इसके बाद जब काम लगा तो उसमें भी हम लोग 3-4 गाँव की सहमति थी सर, टिकरिया, मझी गाँव, समनापुर, औरिया, तो इन सभी गांवों में पानी की जाने की और उन लोगों को लाभ लेने की पूरी सुविधा है। तो इसमें सर रोक क्यों लगता है बार बार, ये तालाब हमको बनना चाहिए सर। सभी कागज भी हम लोग सर बहुत जगह दे चुके हैं और अभी भी इसी महीने में जो अगले महीने निकल चुका, इसमें भी हम प्रधानमंत्री के हाथ में, मुख्यमंत्री के हाथ में हम खुद सौंप के कागज और आए हैं सर, उसमें भी अभी कोई कार्रवाई नहीं है ना, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। आप क्या चाहती हैं सर? हम लोगों को तालाब बनना चाहिए सर, हम लोग पानी से बहुत परेशान हैं सर। इसमें किसी प्रकार का वर्तमान में स्टे तो नहीं है सर? स्टे है। यहाँ पे अमृत सरोवर तालाब का निर्माण के लिए हमारे ग्राम पंचायत समनापुर के पोषक ग्राम ओरिया है, जिसमें हमारे ग्राम सभा के द्वारा हमारे ग्राम ओरिया के महिला पुरुष एवं सभी समस्त ग्रामवासियों के द्वारा पानी की समस्या को देखते हुए तालाब निर्माण कराने के लिए प्रस्ताव पारित करा है, जिसमें शासन द्वारा यहां अमृत सरोवर तालाब के निर्माण के लिए स्वीकृत कर कार का भूमि पूजन समस्त जनपद पंचायत बिजडांडी की SDO उपमंत्री और हमारे ग्राम मोरिया के सभी माताएं बहनें ग्रामवासियों के द्वारा भूमि पूजन कर तालाब निर्माण के लिए जो कार्य शुभारम्भ हुआ, कार्य प्रारंभ भी हुआ, जिसमें अभी वर्तमान में नींव का कार्य जारी था, लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ हमारे ग्राम ओरिया के कहना चाहिए 2-3 लोग अवैध कब्जा कर उक्त भूमि जहां तालाब निर्माण हो रहा है उसके ऊपर कब्जा कर रोक लगाया गया और उसमें हमारे अमृत सरोवर तालाब का कार अभी शायद उनके द्वारा जो रोक लगाई गई उसमें कार अभी बंद है, जिसमें हमारे जन आक्रोश, हमारे ग्राम ओरिया के समस्त जनता यही चाह रहा है कि जो शासन द्वारा यहां निर्माण कार तालाब का कराया जा रहा है वो अति शीघ्र चालू हो। क्या यहां वर्तमान में इसमें किसी प्रकार की कोई पाबंदी है बनाने में? स्टे लगा हुआ है यहाँ, वो 2-3 लोग जो स्टे लगाए हैं वो अवैध है, क्योंकि शासन के द्वारा यह जहाँ तालाब निर्माण हो रहा है यह वन विभाग का जमीन था, जिसमें वो शिकायतकर्ताओं के द्वारा जो साइट कोर्ट हाई कोर्ट में जो स्टे लगाए हैं वो स्टे हटाने की आपके पास कॉपी है? हाँ, उसकी कॉपी है और उनके द्वारा जो लगाए गए वो निराधार है, क्योंकि वन विभाग के द्वारा भी ये अमृत सरोवर तालाब के लिए परमिशन हमारे ग्राम ओरिया के लिए
दे चुकी है, जिसमें किसी प्रकार से यहाँ रोक नहीं है शासन के द्वारा, लेकिन वो दो तीन लोग जो रोक लगाए हैं वो निराधार है। वह रोक को हटाकर अपना परिचय दे। हाँ, मेरा परिचय है ग्राम पंचायत सरपंच पति समनापुर, और ये मेरा पोषक ग्राम ओरिया है।